मैं जानता हूं मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कुछ भी चीज बेकार नहीं बना। और जब वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता तो फिर ईएमआई के कॉन्सेप्ट भी बेकार तो नहीं होंगे। तो चलिए अब अपन बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। और एनर्जी स्टोर्ड में आगे बढ़ने के पहले, जो कि बाबा जी की स्पेशलिटी है, एक छोटी सी बूटी, ताकि डेरिवेशन याद ही ना करना पड़े, सीधे दिमाग में घुस जाए। कुछ चलते हैं बूटी सेक्शन। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई बूटी सेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन के बारे में बात करनी हो, क्योंकि जो वर्क करोगे वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो यार वर्क डन का फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करती है, तो मैंने तुमसे कहा था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला W=QV। तो पहली चीज तो दिमाग में बैठा लो, अगर तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकालना है, पहले जानबूझ के कैपेसिटर बोला है, तो आपको एक ही जगह पर अपने आप को लेकर आना है, दैट इज W=QV। और क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो भी तो वोल्ट है ना, तो वो वी की जगह आ सकता है। मतलब ये मत सोचना कि ईएमएफ इंड्यूस ई था, ये वी है, ओ एक ई एक वी सेम कैसे हो गए। अरे भाई नोटेशंस अलग अलग हैं, है तो वो ईएमएफ ही है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही जो कि इंड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर मैं यूज, यहां पर मैं यूज कर सकता हूं उस साइन को, ई की जगह वी लिख सकता हूं, टेंशन मत लेना। सो पहला क्या था स्टेप, W=QV। और दूसरी स्टेप क्या होगी, अब ये जो वी है इस वी की वैल्यू को रखना पड़ेगा। वी हमारे पास क्या है, LdI/dt। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे बाबा जी माइनस कहां गया, शायद आप भूल गए। नहीं भाई बाबा जी भूले नहीं है, वो माइनस लेंज के कारण था यार, वो उसने ये कहा था कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड तो LdI/dt ही था। माइनस 2 वोल्ट का मतलब क्या है भाई, है 2 वोल्ट, माइनस मतलब मेन कॉज का अपोज करेगा, तो ये वी मिल गया तुमको। और जो लास्ट स्टेप होगी, क्योंकि तुमको जरूरत पड़ने वाली है एक और फॉर्मूले की, एंड दैट इज DQ/dt=I, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। ये है बूटी। सबसे पहले W=QV को पकड़ो, फिर Q के बारे में सोचो, Q को तुम क्या लिखोगे, सॉरी V के बारे में सोचो, V को तुम क्या लिखोगे, LdI/dt। LdI/dt अब क्या करें, तो जहां पर भी तुमको DQ/dt मिले अंदर आगे जाके उसको आई लिख देना, आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं डेरिवेशन। सोलेनोइड बना लो, ठीक है, इंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, सोलेनोइड जैसी दिखता है, कॉइल यही होती है, इसमें करंट हो गया अपने पास आई। अब अगर करंट आई हो गया, और अब मानते हैं कि यहां से DQ चार्ज और आया, चेंज है ना, तो DQ चार्ज अगर आया तो DQ चार्ज के फ्लो की वजह से कितना वर्क डन होगा, वर्क डन होता है W=QV, क्योंकि यहां जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज का फ्लो बढ़ेगा, वैसे वैसे अपोज चेंज होता चला जाता है, इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा चार्ज दिया DQ। DQ की वजह से जो पोटेंशियल वहां पर है, जो EMF इंड्यूस हो रहा है, दैट इज वी। सो DW=QV में मैंने V तो V है, बट क्या हो गया मेरे पास Q की जगह पर DQ हो गया, तो DW=, क्या आ गया, V इंटू Q, Q नहीं है DQ है, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, दूसरी बूटी क्या दी थी, बूटी ये दी थी तुमको V, यानी क्या है, जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, LdI/dt, रख दो V=LdI/dt, यही सिखाया था। तुम में से कई लोग खुश हो रहे होंगे, कह रहे होंगे यार बाबा जी इतना आसान क्यों नहीं दिखता, मैं बाबा जी हर बार पता नहीं कितने वीडियोस में बोला है, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे दोस्तों, बस मैं वही बदल रहा हूँ, तुम्हारी कोशिश कर रहा हूँ चीजों को दिखाने की, यार ये सिंपल रास्ता भी है, इस सिंपल रास्ते को पकड़ के चलो तो आगे निकल जाओगे। और अगर तुमने सिंपल रास्ते की जगह पर वो जो टेढ़ा मेढ़ा वाला रास्ता देखा ना, जो तुम्हें किसी ने दिखाया होगा, अब उनको भी नहीं पता सीधा रास्ता क्या है, इसलिए उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा दिखा दिया, तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं, अपन को सीधे स्ट्रेट वाले पाथ से जाना है, सीधे टारगेट पर हिट करेंगे। अच्छा देखो V=LdI/dt, V की वैल्यू उठाई यहां रख दी, तो ये हो जाएगा, ये हो गया V, ये DQ। अब जैसे ये हुआ तो गौर से देखो, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, DQ को आगे और DI को पीछे,
जैसे ये हुआ तो ये हो जाएगा एल डी डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई। ओहो, डी क्यू बाई डी टी दिख गया दोस्तों। और आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख दोगे? मुझे पता है तुम उस साइड बैठ कर बोल रहे हो, बाबा जी हो गया काम, डी क्यू बाई डी टी को लिख देंगे आई। तो लिख दिया हमने आई, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एल आई डी आई। अब क्या करना है तुम्हें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो भाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी डब्ल्यू जो आपने वर्क किया, जीरो टू यू एनर्जी स्टोर्ड, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का डब्ल्यू लिमिट हो जाएगी जीरो टू यू आपके पास, एल हो गया बाहर, आई की पावर वन का इंटीग्रेशन। अगर मेरे बायो वालों तुम्हें याद नहीं है, कोई बात नहीं, बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और अगर लिमिट है तो प्लस सी मत लगाओ, नहीं तो प्लस सी भी लगा दो। अब अगर आप गौर से देखो यहां पर, तो ये आई की पावर वन था, यानी n की वैल्यू हो चुकी है 1, और जैसे ही n की वैल्यू 1 हुई आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा i की पावर, ये जो 2 है एक्चुअली में ये n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर, अपर लिमिट i, लोअर लिमिट 0। दिस इज दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, हाफ एल आई स्क्वायर। तो कुछ कुछ हाफ सी वी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, वहां पर c था यहां पर l है, वहां पर V था यहां पर I है, वहां से कुछ जुगाड़ लगाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आई क्या है? करंट। एल क्या है? इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। और यहां पर ये जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इंडक्टर के अंदर होती है मैग्नेटिक फॉर्म में, और कैपेसिटर के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। यहां पर ये मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। भाई कितनी आसानी के साथ हमने हाफ एल आई स्क्वायर को ड्राइव कर लिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी से स्टार्ट किया, वी की वैल्यू रख दी, डी क्यू बाई डी टी को आई लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, डेरिवेशन ओवर हो गया। इसी तरह से अब हम आगे बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की, बट इस वीडियो में नहीं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आपका जो प्यार है ना, बस यही हमारे लिए काफी है, और यही हमें आगे बढ़ाता है। जैसे पहले बढ़ाता आया था आगे भी बढ़ाता रहेगा पूरी उम्मीद है। और अब की बार फिर से 95 पार। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।